कोलारस में स्वच्छ अभियान के तहत ग्राम लुकवासा में एक अलग से ही प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। करीब एक दर्जन हैंडपंपों पर प्लेटफॉर्म बनाया गया। कोलारस विधानसभा में पहली एकमात्र पंचायत है जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में सोखता गड्ढे का उपयोग किया गया है जिसमें गंदगी और पानी उसी गड्ढे में सोखता रहेगा। एक प्लेटफॉर्म बनाए जाने की लागत है 35,000 से 40,000 के करीब। करीब 10 हैंडपंपों पर ऐसे प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार किए गए हैं। संवाददाता विशोक व्यास की रिपोर्ट। और आपको ये क्या सोच में आया है ऐसे काम किया जाए? ये क्या एक नई चीज़ है और बड़ा चबूतरा, जैसे गांव वाले स्कूल में हमारे बच्चे आते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म और एक सूखता है, इसमें गड्ढा बनाया है तो कीचड़ भी बाहर नहीं जाएगी। इस स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा हमने एक ये प्लान करके ये बनाया है, तो कीचड़ मुक्त है, इसमें कीचड़ बाहर नहीं जाएगी। एक सूखता गड्ढा बनाकर पूरा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। एक इसमें कितना खर्चा आया होगा ये एक प्लेटफॉर्म में? ये 40 से 45 हज़ार रुपये के लगभग ये पूरा खर्चा आया है इसमें। इसमें पेवर ब्लॉक से लेके भराव से और पूरा पेंटिंग तक कम्प्लीट करना। कितने प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं? लगभग एक दर्जन हमने ये तैयार किए हमारे पूरे लुकवासा में, सारे स्कूलों के, सारे गाँव में, आंगनबाड़ी में, जितने हैंडपम्प हैं सबको हमने बहुत सुंदर और ये बना के तैयार की। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसा बनाए अपन इतना सुंदर, और कहाँ कहीं देखा आपने, क्या इसका पूरा? कहीं नहीं, हमने मन में विचार आया, जो हैंडपम्प हमारे गांव में रहते हैं तो कीचड़ भरी रहती थी, छोटे से गंड होते थे, तो हमने और हमारी टीम ने बैठ के प्लानिंग की क्यों ना अपन एक ऐसा तैयार करें। तो हमारे इंजीनियर से और सबसे चर्चा करके तो ये हमने एक तैयार करके बनाया है। कोलार समय ये पहला प्लेटफॉर्म है जो बना है, मेरे ख्याल से अपने ज़िले में भी नहीं बना होगा ऐसा।